Ayush, Krishna, Jatin, everyone who is here. So in this video, we are going to discuss about, first of all, the cutoff for NEET 2023. Ki cutoff kitni jane wali hai. And we are going to discuss about MBBS abroad. Ki MBBS abroad ke liye kitni cutoff jayegi, India government ke liye kitni cutoff jayegi, and the cutoff for India privates. Then we'll move on to the seat matrix for MBBS abroad. And we'll discuss about how the paper was, like, you know. I think I've got a confirmation from my team that now the voice is clear, the image is clear. So the first of all, I would like to tell you about the cutoff. I think most of you are, you know, sort of, I think, waiting to discuss about the cutoff. I just want, and I want, waiting for some more participants to join. I know many of them had to leave because of the issues, but I see the number increasing now. So yeah, first of all, let's just, you know, start it up with the cutoff. Cutoff kitni jane wali hai? I've already got calls starting from 6 p.m. Cutoff kitni jane wali hai? Let me just give you a number right there. But before I disclose the number, main aapko ye batana chahti hu कि हुआ क्या है इस बार. इस बार जितने भी मुझे फीडबैक मिले हैं, द फीडबैक्स वर कि पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था. सो दैट इज व्हाट स्टूडेंट्स आर सेइंग कि पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं था. और इस बार जो स्टूडेंट्स ने दिया है एग्जाम, दैट वर मोर देन 21 लाख. तो कट ऑफ कंपेयर टू लास्ट ईयर थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, बट बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आने वाला है. So I think I should at least disclose the cutoff. बहुत सारे लोग कट ऑफ का पूछ रहे हैं. So let me just put it up right here. So the cutoff that we are expecting this year is 135 to 140 approximately for general category, and for the reserved categories we are expecting 110 to 115. ये सिर्फ क्वालिफाइंग कट ऑफ है. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक राइट नाउ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया गवर्नमेंट की कट ऑफ क्या रहेगी. बट ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ, ये जो है कट ऑफ है, ये एमबीबीएस अब्रॉड के लिए यू कुड कंसीडर. एमबीबीएस अब्रॉड के लिए आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और आप इस मार्क्स में क्वालिफाई कर जाएंगे. अगर मैं पेपर की बात करूँ तो पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था. लाइक इट वॉज प्रिटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड. बहुत सब कुछ एनसीईआरटी से आया था और स्टूडेंट्स जो अपीयर किया है इस बार, वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर. सो ऑब्वियसली यस, कट ऑफ थोड़ा सा बड़ी है. लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की 117 थी. समवेयर वी आर एक्सपेक्टिंग 135 प्लस दिस ईयर, क्योंकि एक तो बच्चे बढ़ गए हैं, ऑब्वियस है, बच्चे बढ़ने से भी कट ऑफ बढ़ती है. एंड द सेकेंड थिंग इज कि एग्जाम बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था, जिसकी वजह से भी कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज होगी. और लास्ट ईयर जो रिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ थी, इट वॉज 93, और इस बार वो इंक्रीज होके समवेयर अराउंड 110 टू 115 होने वाली है. आई नो कि बहुत सारे बच्चों को अभी पता ही नहीं है कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, बट एक अंदाजा शायद हो गया होगा. बट आंसर की जल्दी ही आने वाली है, मोस्टली बाय टुनाइट, हो सकता है रात को देर तक, या फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आंसर की आ जाए. तो आंसर की आते ही व्हाट यू कैन डू इज आप हमें रीच आउट कर सकते हैं फॉर द आंसर की, एंड वी विल हेल्प यू अबाउट द आंसर की. बिफोर आई गो अहेड एंड टॉक अबाउट कि इंडिया की कितनी कट ऑफ जाएगी, लाइक इंडिया गवर्नमेंट की कितनी कट ऑफ जाएगी, आई वुड लाइक टू टेक फ्यू क्वेश्चंस फर्स्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं. सो आई वुड लाइक टू आंसर देम एंड देन डिस्कस अबाउट कि इंडिया की कट ऑफ कितने जाने वाली है. आयुष इज सेइंग मैम ये बहुत ज्यादा है पिछले साल से. यस आयुष, समवेयर अराउंड प्लस 20, लाइक 20 नंबर बढ़े. वी आर एक्सपेक्टिंग कि 20 नंबर ज्यादा होने वाले हैं इस बार. तो अगर पिछली बार 117 थी तो समवेयर अराउंड 137, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि 135 से 140 के बीच में इस बार नंबर जा सकता है, क्योंकि पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार एग्जाम काफी इजी आया था. दैट इज वन थिंग. एंड द सेकेंड थिंग इज कि बच्चे काफी ज्यादा बढ़ गए, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन बढ़ गया है. और इस बार चांसेस है कि फिर से 720 में से 720 आने के. सो दैट इज व्हाई कट ऑफ हम थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर. आकाश इज सेइंग मैम मेरा एडमिशन एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान में हो जाएगा. यस आकाश, वी डू वर्क फॉर एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट किर्गिस्तान. इन केस यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन, आप वहां पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं.
What if anyone cannot qualify NEET? Can he go to abroad next year, qualify NEET from there? अफनान, आप जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम इस बार बिना नीट क्वालिफाई चले जाएं एंड नेक्स्ट ईयर हम वहीं वापस आकर के नीट क्वालिफाई कर लें, मतलब तब तक आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा एमबीबीएस के लिए? नो, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। एनएमसी की गाइडलाइंस के हिसाब से आपको नीट पहले ही क्वालिफाई करके जाना पड़ेगा, तभी वापस आने के बाद आप नेक्स्ट का एग्जाम दे पाएंगे। सो सैडली दैट इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू, आपको नीट पहले ही क्वालिफाई करना होगा। एंड एज आई सेड अर्लियर, इस बार की जो कट ऑफ जाने वाली है ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा है। आई अंडरस्टैंड कि पिछले साल के कंपैरिजन में बढ़ गई है, बट इस साल की जो नीट की कट ऑफ होने वाली है फॉर जनरल कैटेगरी, वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 135 टू 140, एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी वी आर एक्सपेक्टिंग 110 टू 150। आई नो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि बढ़ गई है, यस बढ़ गई है, बट दिस इज वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग। सो एक बार थोड़े से क्वेश्चंस देख लेती हूँ। बांग्लादेश में एडमिशन लेना सेफ है या नहीं? मोहम्मद कमर इज आस्किंग। ऑफ कोर्स यस इट इज सेफ, बांग्लादेश में से कुछ भी इशू नहीं है, इट इज फॉलोइंग ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस। पूरा सिलेबस आपका इंग्लिश में हो रहा है, कोर्स भी जो रिक्वायर्ड है 54 मंथ्स प्लस 1 year इंटर्नशिप वो है वहां पे, लाइसेंस मिल रहा है, सो इट इज फॉलोइंग ऑल द एनएमसी नॉर्म्स, एंड बांग्लादेश इज अ गुड ऑप्शन, यस यू कैन टेक एडमिशन इन बांग्लादेश। अफनान इज आस्किंग कैन एनीवन गो अब्रॉड आफ्टर फोर्थ ड्रॉप? यस अफनान, इफ यू हैव डन योर फोर्थ ड्रॉप स्टिल यू कैन गो फॉर अब्रॉड। अब्रॉड के लिए मिनिमम एज तो 17 है, बट अपर एज का ऐसे कुछ बार नहीं है। सो इफ यू आर लुकिंग टू गो टू अब्रॉड आफ्टर फोर्थ ड्रॉप यू स्टिल कैन, तो अगर आपको जाना है अब्रॉड आप जा सकते हैं। ईशा इज आस्किंग आई गेव नीट एग्जाम लास्ट ईयर कैन आई गेट एडमिशन? ईशा, अगर आपका लास्ट ईयर क्वालिफाई था लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लास्ट ईयर आपका 117 से ऊपर था, तो आपका वही वाला नीट स्कोर कार्ड इस साल भी वैलिड है। अब्रॉड के लिए नीट का स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होता है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 22 में दिया है तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो 2022 में, 23 में या 24 में भी वैलिड रहेगा। इट्स जस्ट दैट कि जिस साल का आप स्कोर कार्ड लगा रहे हैं कट ऑफ भी उसी साल की चलेगी। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 117 था, तो अगर आप लास्ट ईयर का कट ऑफ लगा रहे हैं, आई मीन लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड लगा रहे हैं, तो कट ऑफ भी लास्ट ईयर का चलेगा। और अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो लास्ट ईयर का कट ऑफ वॉज 93, तो इस बार भी वही चलेगा आपके लिए पिछले स्कोर कार्ड पे। ओके मोहम्मद कमर आलम इज सेइंग लाइसेंस टू प्रैक्टिस का इशू तो है मैम? नहीं, बांग्लादेश ने ऑलरेडी एक लेटर इशू कर दिया है लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए, सो देयर आर नो इश्यूज लेफ्ट। ओके शाइनी सारा इज आस्किंग मैम व्हाट अबाउट फिलीपींस, कैन वी स्टिल ऑप्ट इट एज एन ऑप्शन फॉर एमबीबीएस अब्रॉड? सारा शाइनी सारा, वी आर स्टिल अवेटिंग सम क्लैरिफिकेशंस अबाउट फिलीपींस और वो जल्दी ही आने वाली है, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड, मैं आपको अपडेट करूंगी उसके बारे में। इट्स आयुष इज आस्किंग मैम रशिया में एडमिशन हो सकता है क्या ओरनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में? यस, ना ही सिर्फ ओरनबर्ग में, आपको रशिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। रशिया में वी वर्क फॉर 55 पब्लिक यूनिवर्सिटीज, आपको किसी भी चाहिए होगा वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। जकेरा मानियर इज आस्किंग मैम हाउ मच मार्क्स यू नीड फॉर द बश्कीर यूनिवर्सिटी? जकेरा मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी वाइज नीट की कट ऑफ चेंज नहीं होती है, आपको सिर्फ जनरली जो जनरल कट ऑफ है सबके लिए वही लगानी है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का इस कट ऑफ चेंज होगी। दिस ईयर व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 135 से 140 के बीच में जाएगी एंड रिजर्व्ड की 110 से 115 के बीच में जाएगी। अगर आपका जो स्कोर है वो इस रेंज में आ रहा है डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं अब्रॉड। ऐसा कुछ नीट का स्कोर वेरी नहीं करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, संदीप इज सेइंग एग्जाम वाज वेरी इजी। यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एग्जाम काफी इजी आया है, सो इज देयर एनी चांस फॉर गेटिंग मेरिट? मेरिट आई थिंक आपने क्वेश्चन कुछ गलत पूछ लिया, यू वांटेड टू से समथिंग एल्स, टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या पूछना चाह रहे हैं। आदित्य इज सेइंग मैम रशिया के लिए कितना नीट कट ऑफ रहेगा? ओके, आप चाहे रशिया जाए, चाहे आप जॉर्जिया जाए, चाहे आप बांग्लादेश जाए, नीट कट ऑफ सबके लिए सेम रहेगा। फॉर जनरल कैटेगरी इट विल बी 135 टू 140 एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी इट इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 110 टू 115। ओके
एंड सून वी आर गोइंग टू शेयर द आंसर कीज एज वेल. तो अगर आपको आंसर की चाहिए होगी अपना स्कोर कैलकुलेट करने के लिए, वी विल देयर टू हेल्प यू आउट. अगर आपको किसी को भी आंसर की गई चाहिए ना, आप बस मुझे अपना सेट नंबर के साथ अपनी अपना नाम, अपना स्टेट और आपका जो सेट नंबर है एग्जाम का, वो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए ऑन द हेल्पलाइन नंबर्स एंड वी विल शेयर यू द आंसर की. तो आंसर की आपको मिल, जैसे ही आंसर की आएगी मोस्टली वी एक्सपेक्टिंग इट लेट नाइट टुडे और या फिर कल अर्ली मॉर्निंग में. बस आप इतना कर दीजिए, बाय देन आपको जो भी आंसर की चाहिए, जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए अपने नाम, स्टेट और सेट नंबर के साथ, विल सेंड टू द आंसर कीज. ओके, नेहा इज सेइंग अमेरिका में सेफ है मैम. I'm not sure if you're asking about the safety index or if you're asking about the NMC rules. अगर NMC rules से जाएं तो अमेरिका, no, it is not safe. अगर safety index से जाएं तो of course yes. तो मुझे नहीं पता आप किस sense में question पूछ रहे हैं. Just to give me a brief about कि आप किस sense में पूछ रहे हैं, I'll help you out. Gobe is asking, ma'am, what is the costing for Altai State Medical University? Altai का cost somewhere around 30 lakhs जाएगा, including tuition fees, hostel, food, medical insurance fees, extension, सब कुछ मिला के end to end, you would need around 30 lakhs. Sandeep is saying exam was very easy. Is there any chance of getting merit higher than last year? Yes, Sandeep, you are right. Exam बहुत easy था और merit for sure इस बार higher जाने वाली है. I think now it's time to disclose कि India का score कितना जाएगा. Let me just put that across to you. Let me just write it here. For the unreserved category, we are expecting 625 plus, and for the reserved categories, we are expecting 500 plus. Let me just put it right there. India के लिए हम expect कर रहे हैं कि unreserved का 625 plus and reserved का 500 plus. अगर आप इंडिया गवर्नमेंट की बात करते हैं, इससे नीचे में सीट मिलना इट्स वेरी वेरी टफ, क्योंकि व्हाट वी हैव इज जस्ट 1,04,000 सीट्स. जो 1,04,000 सीट्स है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट सब मिला करके हैं. सो यू कुड थिंक कि कट ऑफ ऑब्वियसली ज्यादा जाने वाला है. एज आई सेड कि एग्जाम इजी था, उसकी वजह से भी कट ऑफ में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है. और स्टेट क्वेश्चन से, लाइक मैनी स्टूडेंट सेड डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे, तो इस वजह से एग्जाम काफी इजी था. एंड द सेकंड थिंग इज कि बहुत ज्यादा बच्चों ने इस बार एग्जाम लिखा है. दे आर सेइंग 21 लाख, बट इट इज एक्चुअली 20 लाख, 21 लाख प्लस. सो आई एम जस्ट गोइंग बैक टू द कमेंट सेक्शन. आपके जो भी क्वेश्चन है आप हमें पूछ सकते हैं, और अगर आपको आंसर की चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए अपने नाम और अपनी स्टेट के साथ विद योर सेट नंबर, विल शेयर यू द आंसर की एज वेल. मैम, इज इट हार्ड टू गेट एडमिशन इन यूरोपियन कंट्री? राजीव कुमार सिंह पूछ रहे हैं. राजीव, एक्चुअली ना ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है. यहाँ पे दो चीजें हैं, आर यू लुकिंग फॉर एडमिशन इन यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन कंट्री. देखो, जो यूरोपियन यूनियन है इट इज अ सेट ऑफ लाइक 44 कंट्रीज. एडमिशन मुश्किल तो है ही है वहां पे, बट साथ में महंगा भी है. फॉर एग्जाम्पल ईयू में हम देख लें, पोलैंड है, इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव, समवेयर अराउंड 70 लाख. उसके अलावा इटली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ईयू में अगर आप जाना चाहते हैं, बट वहाँ पे आईमैट का एग्जाम होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा हर्डल आ जाता है. बट इफ यू आर गुड एनफ टू क्लियर आईमैट एग्जाम, आप इटली चूज कर सकते हैं. इटली स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करता है, लाइक ऑलमोस्ट 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है. इंस्टेड आप कुछ ना कुछ कमा के आते हैं इटली से इफ यू चूज एमबीबीएस इन इटली, बट ये आपको आईमैट क्लियर करना पड़ेगा. सो ईयू पे एडमिशन डिपेंड करते हैं आप कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं. अगर मैं ओवरऑल देखूं, ईयू इज क्वाइट एक्सपेंसिव. अगर मैं इटली छोड़ दूं, इटली में स्कॉलरशिप मिल जाती है, अदरवाइज इटली भी एक्सपेंसिव ही है. ईयू में मैक्सिमम कंट्री एक्सपेंसिव है, और इटली के अलावा बहुत ही रेयर कंट्री है जो स्कॉलरशिप दे रही है. इटली अगर स्कॉलरशिप दे रही है तो आईमैट का एग्जाम ले रही है. सो आपको एक चीज तो करनी पड़ेगी, या तो आपको यू शुड बी गुड एनफ टू क्लियर द एग्जाम्स, या फिर आपको पैसे ज्यादा खर्चने पड़ेंगे इफ यू आर लुकिंग फॉर ईयू स्पेसिफिकली. ओके, हर्ष पंडित इज आस्किंग क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी का कितना जाएगा. हर्षित, आई एम जस्ट लाइक टू शो इट हियर. जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है, वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 135 टू 140 जनरल कैटेगरी का कितना जाने वाला है, एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी 110 टू 115. अगर आप जस्ट क्वालिफाइंग कट ऑफ पूछ रहे हैं तो
क्वालिफाइंग कट ऑफ इतना ही जाएगा, इससे जाने के चांसेस इस बार नहीं लग रहे हैं। इन केस यू आर आस्किंग कि इंडिया का कट ऑफ कितना जाएगा, तो इंडिया का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए अनरिजर्व के लिए 625 प्लस जाएगा, एंड फॉर द रिजर्व वी आर एक्सपेक्टिंग 500 प्लस। आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चंस। जस्ट मूविंग ऑन टू द अदर क्वेश्चंस राइट नाउ। शेख सान्या मैम, नीट कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी, आई जस्ट सेड इट। शेख सान्या, नीट कट ऑफ एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जनरल कैटेगरी के वुड बी समवेयर अराउंड 135 to 140 फॉर जनरल, एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी समवेयर अराउंड 115। ओके, हेलो दुर्गेश, शेख सान्या इज आस्किंग कट ऑफ। ओके, डी डब्ल्यू उमेर इज आस्किंग क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर ओबीसी। फॉर ओबीसी कैटेगरी द कट ऑफ इज गोइंग टू बी क्वाइट लो, समवेयर अराउंड 115। Can you guys confirm? I'm so sorry for all the issues that are happening today. I wasn't expecting this, although we have fiber here, but still we are expecting, seeing these issues. I wasn't expecting these issues. But guys, can you confirm if you could hear me and if you could see me? Okay, I'm just moving on to the further questions. I've got a confirmation from my team that you could see me and you could hear me. ओके या सो दुर्गेश इज सेइंग मैम आंसर की कब तक आएगा। जिसको भी आंसर की चाहिए आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, जो भी नंबर्स आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहे हैं इस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अपने नाम, स्टेट और आपका जो सेट नंबर है क्वेश्चन का, एंड वी विल शेयर यू द आंसर की। आंसर की आज रात को देर या फिर कल सुबह अर्ली मॉर्निंग आने वाली है, सो मेक श्योर टू स्टे ट्यून्ड। अगर आपको आंसर की का अपडेट चाहिए आप जल्दी से जल्दी हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, एंड वी विल हेल्प यू आउट विद द आंसर की। ओके, डीडब्ल्यू उमेर इज आस्किंग क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रशिया फॉर ओबीसी। चाहे आप रशिया चले जाइए, चाहे आप किसी और कंट्री में चले जाइए अब्रॉड में, द क्वालिफाइंग कट ऑफ इज गोइंग टू बी रिमेन सेम। अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के इट विल बी समवेयर अराउंड 135 टू 140, एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी इट वुड बी 110 टू 115। आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चंस। चाहे आप रशिया जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओ, चाहे आप बांग्लादेश जाओ, आप चाहे फिर आप उज्बेकिस्तान जाओ, सबके लिए कट ऑफ जो है वो सेम ही आने वाली है। दुर्गेश इज सेइंग अबाउट द आंसर की, यस अगर आपको आंसर की चाहिए तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिए विद योर नेम, विद योर स्टेट एंड योर एग्जाम का सेट नंबर, एंड वी विल शेयर यू द आंसर की। ओके, संतोष इज आस्किंग मैम पेत्रोजावा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एडमिशन कब तक क्लोज होता है। संतोष, Petrozavodsk, I would say, is in high demand right now. Reason being, budget university है, somewhere around 23 lakhs में आपका पूरा सब कुछ complete हो जाता है। तो low budget university, specially with high quality,
और सारी फैसिलिटीज सबसे जल्दी भरती हैं। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन इन पेत्रोजा वोस्क, आपको जल्दी से जल्दी अपनी बुकिंग करवानी पड़ेगी। और बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं कि बुकिंग करवानी कैसे है, और हमें कोई लॉस तो नहीं होगा। सीट बुक करवाने से आपका सिर्फ फायदा ही होने वाला है, नुकसान नहीं होने वाला है। सीट बुक करवाने के लिए आपको सिर्फ अपने 10th की मार्कशीट की स्कैन कॉपी भेजनी है, और साथ में आपको अपना आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड भेजना है। तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं है, दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आपका 10,000 का बुकिंग अमाउंट रहता है, वो भी रिफंडेबल है इन केस यू फेल्स टू क्वालिफाई नीट। बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि अगर मेरा नीट फेल हो गया और मैं नहीं जा पाया तो मेरे जो पैसे हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। सो आई वुड लाइक टू से कि आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे। इफ यू फेल्स टू क्वालिफाई नीट, वी वुड रिफंड योर कंप्लीट बुकिंग अमाउंट, उसमें से 1 रुपया भी नहीं कटने वाला है। तो अपनी सीट बुक करवा के रखिए, ऐसा ना हो कि बाद में आपको सीट ही ना मिले। लास्ट ईयर भी पेत्रोजा वोस्क के एडमिशन क्लोज हो गए थे एंड यू आर गेटिंग हैवी इंक्वायरीज, तो इस बार भी ऐसे ही होने वाला है। पेत्रोजा वोस्क जल्दी क्लोज होने वाली है, सो मेक श्योर यू गेट योर सीट बुक बुक्ड राइट अवे। संतोष, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन एंड वी विल हेल्प यू आउट विद द कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। उसका जो भी पेत्रोजा वोस्क में बच्चे हैं उनसे भी आपको हम कनेक्ट करवा सकते हैं। वी विल हेल्प यू आउट विद ईच एंड एवरीथिंग ऑन पेत्रोजा वोस्क, वेदर इट बी फी स्ट्रक्चर और एनीथिंग। ओके, आई एम जस्ट मूविंग ऑन टू सम न्यू कमेंट्स। रुद्रा प्रताप राणा इज आस्किंग, एनएसएमयू का प्रीमियम हॉस्टल का क्या चार्ज होता है मैम? रुद्रा, आई थिंक यू आर ऑलरेडी इन कनेक्शन विद अस, आपकी मुझसे आज शाम को ही बात हुई, एंड आई थिंक यू आर लुकिंग फॉर एडमिशन इन 2024 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई थिंक आई डिड रिप्लाई टू योर मैसेजेस ऑन ऑन द व्हाट्सएप। स्टिल NSMU का प्रीमियम हॉस्टल, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं वहाँ पे और सबके चार्जेस अलग अलग हैं। यू कैन व्हाट्सएप अस एंड वी विल हेल्प यू विद द पिक्चर्स ऑफ द हॉस्टल्स अलोंग विद द प्राइस ऑफ ईच वन ऑफ देम। रोहन कुमार इज सेइंग, मैम मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 नवंबर 2007 है, मेरा हो जाएगा क्या? रोहन, आई एम सो सॉरी, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, लेट मी कैलकुलेट। 2007 से 17 वुड बी 10 ईयर्स, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Okay, so you are turning 16 this year. I think आपको एक साल और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस साल में आप एडमिशन ले रहे हैं यू मस्ट बी टर्निंग 17 इन द ईयर ऑफ एडमिशन। आप 31 दिसंबर तक अगर 17 के हो रहे हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, else you will have to wait. मिथिलेश इज आस्किंग, हाउ इज SCU जॉर्जियन यूनिवर्सिटी एंड टोटल कॉस्टिंग फॉर द सेम? मिथिलेश, अगर आप SCU चूज कर रहे हैं, इट इज गोना बी अ बेस्ट चॉइस। इफ यू आर लुकिंग फॉर MBBS इन जॉर्जिया, बहुत अच्छा ऑप्शन है SCU, अनडाउटेडली वी हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स देयर, तो अनडाउटेडली बहुत अच्छा ऑप्शन है। टोटल कॉस्टिंग, अगर हम ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन सब कुछ ऐड करें, समवेयर अराउंड 40 लाख्स। और अगर मैं सिर्फ ट्यूशन फीस की बात करूँ, इट इज $5,500 पर ईयर। ओके, शिवम गुप्ता इज सेइंग, मैम MBBS अब्रॉड के लिए कट देना पड़ेगा क्या? आई थिंक शिवम, मे बी यू आर आस्किंग अबाउट द कट ऑफ, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? नीट एस्पिरेंट, मैम अगर MBBS अब्रॉड से करना है तो ड्रॉप लूँ और अच्छे से प्रिपरेशन करके 500 प्लस लाना पड़ेगा, बिकॉज 105 मार्क्स अराउंड हो तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? सी, कट ऑफ के लिए आपको वेट करना चाहिए, बिकॉज रिजर्व कैटेगरी के लिए we are expecting the cutoff to be somewhere around 135 to 140 and for the reserve category somewhere around 110 to 115. So, agar to aapki category reserve category mein, you can still think about ki maximum chances hai ki hone ke, but if you are from general category, I would recommend to wait. Shanti Chaudhary is saying, hello ma'am, I'm from Gujarat. Hi Shanti, aap chahe Gujarat se ho, India se ho, kahin bhi, kisi bhi state se ho, ya phir India ke bahar se ho, we are there to help you out. Okay, Rohan Kumar is asking, ma'am, Germany ke liye koi option? Yes, Rohan, Germany ke liye option hai, but uske liye aapko sabse pehle to language seekhni padegi. You need at least A2, A to the minimum, but we recommend to go up to C1. तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, एंड स्टिल उसके बाद जर्मनी जाने के बाद यू विल हैव टू राइट ऑफ नामा प्रूफ, जो एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बाद आपका फाउंडेशन कोर्स में एडमिशन होगा, दैट इज स्टूडेंट कॉलेज। स्टूडेंट कॉलेज करने के बाद आपको FST देना पड़ेगा, फिर आपको एक और एग्जाम देना पड़ेगा,
और फिर आप जाकर के एमबीबीएस में आपका एडमिशन होगा. सो जर्मनी इज क्वाइट अ लॉन्ग प्रोसेस, और पूरा का पूरा एमबीबीएस जर्मन लैंग्वेज में होता है. दैट इज व्हाई दे आर वेरी रेयर स्टूडेंट हु गो फॉर जर्मनी, बट इफ यू वांट टू गो, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. सौरभ इज सेइंग ओके मैम, आई एम फेसिंग प्रॉब्लम दैट सम कंट्री प्रोवाइड कैडेवर फॉर डाइसेक्शन एंड ऑल. सौरभ, बहुत सारी कंट्रीज आपको यू नो कैडेवर प्रोवाइड करती हैं, और बहुत सारी कंट्रीज कैडेवर के साथ सिमुलेटर्स भी प्रोवाइड करती हैं. अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी कंट्री चूज करूँ, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स हमें व्हाट्सएप कर दीजिए कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है और मेरा ये बजट है. विल हेल्प यू आउट कि आपको कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए. आकाश कुमार इज सेइंग 138 मार्क्स आएंगे तो किर्गिस्तान का सरकारी मेडिकल कॉलेज में मिल जाएगा या नहीं. आकाश, आपके जस्ट क्वालिफाइंग नंबर चाहिए, चाहे तो आप सरकारी में लें या फिर आप प्राइवेट में लें, डजेंट मैटर, आपको बस क्वालिफाइंग नंबर चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा. शिवम गुप्ता, मैम मैं अभी 12th में हूँ, क्या मुझे अभी सीट बुक करना पड़ेगा. शिवम, आई वुड से यू हैव लॉट ऑफ टाइम, आप अपना रिसर्च कर लीजिए. इन केस यू नीड एनी हेल्प इन रिसर्च, वी आर देयर टू हेल्प. अगर आपको बुक करना है, यू कैन बुक, बट आपके पास काफी टाइम है, यू कैन टेक योर टाइम. मृदुल इज सेइंग मैम व्हाट अबाउट इटली. इटली इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन अगर आप आईमैट क्लियर कर सकते हैं तो. वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू, इस बार का आईमैट जो है वो इंडिया में नहीं हो रहा है. आईमैट वहीं जाके होगा. कैम्ब्रिज हैज सेड नो फॉर कंडक्टिंग आईमैट, तो इस बार आईमैट इंडिया में नहीं हो रहा, दैट इज वन थिंग. उसके बाद इटली के लिए आपको आईमैट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, एंड यू शुड हैव अ बैंक बैलेंस ऑफ समवेयर अराउंड 30 लाख्स. बस यही दो कंडीशन होंगी, एंड देन यस, इटली इज वेरी गुड. आपको स्कॉलरशिप मिलती है पूरी की पूरी, लाइक 5200 यूरोस की स्कॉलरशिप है रहने खाने के लिए, एंड ट्यूशन फीस इज ऑलमोस्ट जीरो. सो इटली इज अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू कुड क्लियर आईमैट. रशिया में मेस फैसिलिटीज नहीं है बोल के सुना है, प्लीज आंसर. संदीप, रशिया में मेस फैसिलिटीज हैं. इट डिपेंड्स कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं. वहां पे सब यूनिवर्सिटीज में मेस नहीं है, दैट आई अग्री, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में मेस है. अगर आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चाहिए जिसमें मेस हो, वी कैन हेल्प यू आउट. नीट स्कोर में 20 लाख तक गवर्नमेंट कॉलेज इन रशिया. रोहन, आपको समवेयर अराउंड 21-22 लाख्स में रशिया में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. यू कैन गेट गवर्नमेंट कॉलेज इन रशिया इन 21-22 लाख्स बजट. आपको अगर उसका फीस स्ट्रक्चर जानना है, पूरी डिटेल्स चाहिए विद वीडियोस एंड फोटोज ऑफ द यूनिवर्सिटी, हॉस्टल मेस, एवरीथिंग, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. शाहिद राजा इज सेइंग मैम, एमबीबीएस अब्रॉड से करने के बाद इंडिया के आने के बाद क्या प्रॉब्लम आएंगी. शाहिद, आई वुड से अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. और नेक्स्ट का जो एग्जाम है, चाहे आप अब्रॉड से पढ़ो या फिर आप इंडिया से पढ़ाई करो, आपको देना ही पड़ेगा. देर इज नो वे आउट ऑफ इट, आप इस बार बच नहीं सकते हैं नेक्स्ट के एग्जाम के, आपको नेक्स्ट का एग्जाम देना ही है. तो इट्स बेटर कि अपने पैसे ही बचा लो, क्योंकि नेक्स्ट के एग्जाम से तो बच नहीं सकते हैं आप. मृदुल इज आस्किंग फॉर द नीट रिक्वायरमेंट फॉर इटालियन यूनिवर्सिटी. मृदुल, आई वुड से कि आप नीट क्वालिफाई कर लें, बिकॉज वहां पे वीजा रिजेक्शन रेट भी काफी ज्यादा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज इटली में, तो इसलिए अगर नीट क्वालिफाई होगा तो इट वुड बी एन एडेड एडवांटेज. एस एस राजावत इज आस्किंग फॉर टवेर एडमिशन प्रोसेस. एस एस राजावत, आई वुड से अगर आपको टवेर में एडमिशन चाहिए, यू शुड रीच आउट टू अस एज सून एज पॉसिबल ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन, क्योंकि टवेर में सीट्स काफी कम है. बजट कम होने की वजह से ज्यादा टाइम तक सीट नहीं मिलने वाली है टवेर में. अभी सीट्स अवेलेबल हैं टवेर में. एडमिशन प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल, यू जस्ट नीड टू बुक योर सीट, जिसके लिए आपको अपनी 10th की मार्कशीट की फोटो, अपना आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड शेयर करना होगा विद अ 10,000 बुकिंग अमाउंट, जो कि रिफंडेबल है इन केस यू फेल्स टू क्वालिफाई नीट, तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होंगे इन एनी सिनेरियो. आदीन इज सेइंग मैम, एमबीबीएस उज़्बेकिस्तान इन 20 लाख्स हो जाएगा. आदीन, आई वुड से यू नीड समवेयर अराउंड 25 लाख्स फॉर उज़्बेकिस्तान. उज़्बेकिस्तान रशिया से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, यस यू वुड नीड समवेयर अराउंड 25 लाख्स. शिवांश इज आस्किंग मैम, रशिया में अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है. शिवांश, आई से द सेम थिंग आई थिंक ओवर एंड अगेन, कि एक सिंगल यूनिवर्सिटी कैन नॉट बी बेस्ट फॉर एवरी वन. सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल बजट क्या है आपका, और भी बहुत सारी चीज़ों पे. बट ये अगर मैं आपको कुछ एक अच्छे ऑप्शंस बता दूँ, बजट ऑप्शंस देखेंगे तो टवेर एंड पेट्रोजावोस, थोड़ा सा बजट इंक्रीज करेंगे तो क्रीमिया, बश्केर,
और कुर्स्क ये सब आ जाते हैं, थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे तो कजान स्टेट, कजान फेडरल, अल्ताई, उल्यानो, सो देर आर लॉट ऑफ बजट, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज, आपके बजट पे और आपकी रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। रिजा इज आस्किंग मैम व्हाट्स द जॉर्जिया बजट। जॉर्जिया का जो बजट है इट इज जस्ट 40 लाख रुपीज। आई नो कंपेयर टू रशिया इट इज ऑलमोस्ट डबल, बट जॉर्जिया का लिविंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से और कंट्री के हिसाब से इट इज टोटली वर्थ इट, एंड एजुकेशन क्वालिटी इज वे टू गुड। रिजवान इज आस्किंग कायरो यूनिवर्सिटी इजिप्ट में एमबीबीएस 5 ईयर्स कितना बजट होगा। रिजवान फर्स्ट ऑफ ऑल 5 ईयर्स कोर्स नहीं है वहां पे, वहां पे 5 ईयर्स कोर्स के साथ इंटर्नशिप भी है, एंड इंटर्नशिप इज 2 ईयर, सो इट्स 5 प्लस 2। अगर मैं 5 ईयर्स का बजट बताऊं तो इट इज समवेयर अराउंड 35 लैक्स। 2 ईयर्स इंटर्नशिप में आपको एनी विच वेज पैसे मिलने ही वाले हैं, सो यू कैन स्किप द बजट ऑफ दोज 2 ईयर्स। 5 ईयर्स का बजट इजिप्ट में समवेयर अराउंड 35 लैक्स है। ओके सौरभ एस जी एक्स डी इज आस्किंग कैन यू गिव मी अ सजेशन ऑफ सम ऑफ द कंट्री विच प्रोवाइड कैडेवर प्लीज, दैट विल हेल्प मी अलॉट। रशिया, सौरभ रशिया चूज कर सकते हैं अनडाउटेडली। फिलिप फिलिप्स फिलिप्स इज सेइंग मैम व्हाट विल बी दिस ईयर कट ऑफ प्लीज। ओके आई थिंक आपको प्लीज बोलने की जरूरत नहीं है, लेट मी जस्ट पुट इट अक्रॉस फॉर यू। अनरिजर्व्ड और जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है इस बार मिनिमम कट ऑफ, क्वालिफाइंग कट ऑफ समवेयर अराउंड 132-140 जाने वाली है फॉर जनरल कैटेगरी, एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 110-115। आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चन। ओके कविता इज आस्किंग इफ वी अप्लाई फॉर एडमिशन नाउ सो आर सीट्स अवेलेबल इन रशिया। यस कविता, इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई सीट्स आर अवेलेबल नाउ, बट बहुत टाइम तक अवेलेबल नहीं रहेंगी, सो मेक श्योर टू कॉल अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन, गेट योर सीट बुक्ड एंड स्टार्ट योर प्रोसेस राइट नाउ, क्योंकि आपको आइडिया तो हो ही गया कि आपका क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, सो मेक श्योर टू यू नो गेट योर सीट बुक एंड स्टार्ट योर प्रोसेस एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि जितना लेट करेंगे उतनी कम सीट्स होंगी और हो सकता है बहुत सारे अच्छे ऑप्शन ना मिले, सो मेक श्योर यू गेट योर सीट बुक्स राइट अवे। वजुल हसन आई एम फ्रॉम ऑन्टारियो। वजुल इफ यू लुकिंग इफ यू आर फ्रॉम ऑन्टारियो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वी विल हेल्प ऑल ऑफ यू, इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट दैट। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन भी हो जाता है, इफ यू हैव समवन इन इंडिया दे कैन कम एंड मीट अस एज वेल। ऋतुराज इज सेइंग मैम व्हाट इज द चीपेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस। रशिया वुड बी इन द चीपेस्ट एंड आई वुड से द बेस्ट ऑल्सो। मृदुल आई एम ग्रेजुएट and is there any way of changing my life as I belong to a lower middle class? I think going abroad will help me. What you say about it? Yes, Mridul, for sure it is going to change your life undoubtedly, because MBBS ke baad, once you clear the next exam, once you have the license, obviously it is going to change your life undoubtedly. Rizwan Khan, yop mein license exam English mein hota hai kya? आई थिंक रिजवान यू वॉन्ट टू से समथिंग एल्स, आप अगर अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो इट विल हेल्प मी आउट। आयुषी मिश्रा मैम 613 एनी गुड गवर्नमेंट कॉलेज, 613 के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, बट अगर मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊँ इंडिया का कट ऑफ गवर्नमेंट के लिए, इंडिया गवर्नमेंट के लिए अनरिजर्व वी आर एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 625 प्लस, एंड फॉर द रिजर्व वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 500 प्लस। तो अगर आपके 613 आ रहे हैं, आई वुड से मॉप अप राउंड तक आपको वेट करना चाहिए, देयर आर चांसेस कि आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाए। मुनीव इज आस्किंग हेलो मैम आई वांट टू आस्क अबाउट हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू गेट एडमिशन इन एमबीबीएस फॉर फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ नीट क्वालिफाई करना है, एंड ऑल यू नीड इज 135-140 मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ऑल यू नीड इज 110-115। रिजवान इज सेइंग इजिप्ट में लाइसेंस एग्जाम इंग्लिश में होता है या अरबिक में। रिजवान दोनों में होता है, सो अगर आप इजिप्ट जाना चाहते हैं, यू हैव द ऑप्शन टू राइट इन इंग्लिश एज वेल। सौरभ इज आस्किंग कैन यू सजेस्ट सम ऑफ द कंट्री विच प्रोवाइड कैटेगरी। रशिया इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू सौरभ। शिवांश इज आस्किंग मैन 22-26 लाख के बजट में इज इट पॉसिबल टू गेट गुड यूनिवर्सिटी इन रशिया। शिवांश नॉट जस्ट गुड, यू कुड गेट बेस्ट यूनिवर्सिटी इन रशिया इन समवेयर अराउंड 25 लाख। आपका बजट इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फीस, हॉस्टल, फूड, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, एवरीथिंग,
सब कुछ 25 लाख में आराम से हो जाएगा. अगर आपको और कम में चाहिए, यू हैव ऑप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम 22 लाख्स ऑल्सो. तो शिवांश, यस, आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी रशिया में इजिली मिल जाएगी. आप हमें रीच आउट कर सकते हैं ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन एंड वी विल हेल्प यू आउट इन गाइडिंग कि क्या चीज आपके लिए सही है और क्या नहीं. Yogen is asking, hello ma'am, is Philippines is good option for MBBS? Yogen, I would say कि Philippines के लिए I think आपको hardly 1 week और wait करने की ज़रूरत है and we'll back with a good news. Right now we are just waiting for some clarity. Ratna Deep Kadam, ma'am, 30 lakhs is okay for Russia. Ratna, 30 lakhs is too much for Russia. Like Russia, just 22 lakhs में भी हो जाता है, that to a very good university. So 30 lakhs is like बहुत ही आराम से हो जाएगा. 30 lakhs is like very good budget for Russia. Prab is asking, qualify cut off क्या होगी मैम? Qualifying cut off बहुत ज्यादा नहीं है. Unreserved general category के लिए 135 to 140 है and for the reserved category 110 to 115 है. अगर आप लोग qualify कर रहे हैं, मेक श्योर टू गेट योर सीट बुक्ड एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि बाद में अच्छी जगह पे सीट नहीं मिलने वाली है. You can reach out to us on the numbers given on the screen for seat booking. और एक और चीज है, सीट बुकिंग के लिए आपको सिर्फ अपनी 10th की मार्कशीट की फोटो भेजनी है, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड भेजना है एंड 10,000 का बुकिंग अमाउंट भेजना है. दैट इज रिफंडेबल इन केस यू फेल्स टू क्वालिफाई नीट. तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होने वाला इन एनी केस. इंस्टेड आप टाइमली अपना प्रोसेस स्टार्ट करवा लेंगे तो आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी. लेटर इल बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम. प्रबनूर हेयर, ऑलरेडी बुक मैम. ओके, एक्चुअली मुझे पूरा नाम नहीं पता था. ये आप प्रबनूर, योर सीट इज ऑलरेडी बुक्ड. अगर आपको कुछ भी डाउट स्टिल है, यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. ओके, रत्नादीप कदम इज आस्किंग, मैम अगर यूके में जॉब करनी होगी तो रशिया थ्रू जाना चाहिए? देखो, अगर आपको यूके में जॉब करनी है, चाहे आप इंडिया से जाइए, चाहे आप रशिया से जाइए, किसी भी और कंट्री से जाइए, यू विल हैव टू राइट पी लैब एग्जाम. अगर आपको एज अ डॉक्टर जॉब करनी है तो पी लैब एग्जाम लिखना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा एंड देन यू आर गुड टू गो. तो चाहे आप रशिया से जाइए, इंडिया से जाइए या कहीं और से जाइए, इट्स द सेम प्रोसेस. जील इज सेइंग, मैम इफ आई ओके इफ इंक इज गॉट आउट ऑफ सर्कल इन ओ एम आर, इज देयर नेगेटिव मार्किंग फॉर इट? देखो, एक्चुअली जो आपकी ओ एम आर शीट्स होती है ना, वो मैनुअली कोई भी चेक नहीं करता है. मैनुअली सिर्फ री चेकिंग के टाइम पे चेक होती है. तो जो ये पूरा प्रोसेस है, ये यू नो ऑटोमेटेड प्रोसेस है. तो अभी वो उस रोबोट पे डिपेंड करता है कि आउट ऑफ सर्कल में नेगेटिव तो फॉर श्योर नहीं होने वाला है. आई एम होपिंग कि वो एक सर्कल से दूसरे सर्कल में नहीं गई है इंक. अगर एक सर्कल से दूसरे सर्कल में इंक गई है तो आपको कोई भी मार्क्स ना तो मिलेगा ना ही कटेगा. ओके, जेबा इज आस्किंग, मैम व्हाट इफ आई एम जनरल कैटेगरी स्टूडेंट एंड आई एम ओनली गेटिंग 120 मार्क्स? देखो, चांसेस मैं तो ये कहूंगी, अगर आप बॉर्डर पे हैं, आई वुड से द बेस्ट इज टू वेट फॉर सम टाइम. वैसे तो कल ही, ज्यादा टाइम आपको वेट नहीं करना पड़ेगा. कल ही ऑफिशियल तो नहीं, बट हाँ आंसर की तो आई जाएगी. That would be very close to official. बहुत ज़्यादा differences नहीं होते हैं official और unofficial answer keys में. Unofficial answer keys से मेरा मतलब है Ellen की answer key, Akash की answer key. इनकी answer keys जो हैं, they are quite accurate. मतलब last year मैंने Ellen की answer key देखी थी and it hardly have one or two question difference. So बहुत ज़्यादा difference नहीं है. तो answer key आज रात को ही आने वाली है. अगर आपको आंसर की चाहिए तो अपने नाम, स्टेट और सेट नंबर के साथ आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन एंड वी विल हेल्प यू आउट विद द आंसर की. 120 मार्क्स आ रहे हैं तो यू आर ऑन द बॉर्डर. हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो फॉर जनरल कैटेगरी. अगर कैटेगरी है तो पक्का हो जाएगा, बट अगर जनरल कैटेगरी है तो यस, यू आर ऑन द बॉर्डर, बट स्टिल यू कैन कीप योर सीट बुक्ड. अगर आपका फॉर एनी केस नीड क्वालिफाई नहीं होता है, द बुकिंग अमाउंट इज 100% रिफंडेबल. Srijan Nair is asking, what is the passing marks for this year? Let me just put it across to you. Unreserved or general category ke liye, the cutoff is 135 to 140, jo ki just qualifying cutoff hai. And for the reserved category, it will be somewhere around 110 to 115. Okay. मैम अगर जर्मन में जाना हो तो रशिया थ्रू जाना इजी होगा क्या? अगर आपको जर्मनी में जाना है, यू वुड नीड लैंग्वेज एनी डे.
तो अगर आपको जर्मनी में जाना है आप जल्दी से लैंग्वेज सीख लीजिए एंड इट इज यू कैन गेट डायरेक्ट एडमिशन इन जर्मनी, यू डोंट हैव टू गो वाया वाया, बस आपको लैंग्वेज सीखना जरूरी है। शिवांश मैम, रशिया में आर स्टूडेंट्स अलाउड टू डाइसेक्ट कैडेवर? यस। कविता परमार, मैम डू वी हैव टू कुक ओन फूड और इट विल बी प्रोवाइडेड इन मेस और हॉस्टल इन रशिया? कविता एक्चुअली यहाँ पे ना दो सिनेरियो है, अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं जहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है तो आपको मेस में ही खाना मिल जाएगा, बट अगर आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करते हैं जहाँ पे मेस अवेलेबल नहीं है देन यस यू विल हैव टू सेल्फ कुक। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द यूनिवर्सिटी। बहुत सारे लोग हो सकता है आपको सही इन्फॉर्मेशन ना दे पाए, इफ यू रीच आउट टू अस वी वुड गिव यू द राइट इन्फॉर्मेशन कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मेस है और कौन सी यूनिवर्सिटी में मेस नहीं है। यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन एंड वी विल हेल्प यू आउट कि आपको अगर मेस चाहिए तो आपके लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सही रहेगी। मैम 85 ओबीसी अब्रॉड एमबीबीएस करनी है, कुछ हो सकता है क्या? शायद एडमिशन तो हो जाएगा बट देन यू वुड नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया सो वी वुड नॉट रिकमेंड दैट। आई वुड से अगर आपके 85 आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। 85 कट ऑफ जाना बहुत ही रेयर है, इस इतना कम कट ऑफ नहीं जाएगा, इससे तो ज्यादा ही जाएगा कैटेगरी का कट ऑफ भी, तो इसलिए आई थिंक यू शुड वेट फॉर रिजल्ट्स। आदित्य सेनापति इज सेइंग मैम 130 मार्क्स फॉर रशिया इज एनफ? यस इट इज एनफ, ऑलमोस्ट उतना आसपास ही कट ऑफ जाने वाला है, यू कैन गेट योर सीट बुक एज सून एज पॉसिबल। एम डी गालिब इज आस्किंग अबाउट समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी। गालिब आई एम सून गोइंग टू पोस्ट अ वीडियो अबाउट समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आई थिंक यू कुड वेट फॉर अ वीडियो। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अभी चाहिए, फीस स्ट्रक्चर चाहिए या कुछ भी चाहिए सो यू कुड रीच आउट टू अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन। अगर मैं आपको रफली एक बजट बताऊं, समवेयर अराउंड 30 लाख आपको चाहिए फॉर समरकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी। शायद इस सिंह मैम कुछ भी नहीं होगा क्या 85 पर? सी शायद वी कुड गेट यू द एडमिशन बट द प्रॉब्लम इज कि आप इंडिया वापस आके काम नहीं कर सकते हैं, सो देयर इज नो पॉइंट वेस्टिंग योर मनी इफ यू हैव एनी प्लान्स टू कम बैक टू इंडिया एंड वर्क इन इंडिया। सो दैट इज व्हाई आई वुड से यू शुड यू नो वेट फॉर द रिजल्ट्स। ओके एम डी मुनी, विच इज द सेफेस्ट एंड चीपेस्ट कंट्री फॉर एमबीबीएस? रशिया। आई नो सेफेस्ट में ना बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो वॉर के लिए मैं आपको एक अपडेट दे देती हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब यूक्रेन में है, रशिया में एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वॉर अपनी पीक पे था तब भी स्टूडेंट्स आ रहे थे और कुछ टाइम पहले विंटर इनटेक में भी स्टूडेंट्स गए हैं, सो देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अक्षत, आई बुक माई सीट फॉर एमबीबीएस इन जॉर्जिया, आई थिंक यू शुड प्रेफर इट टू फॉर श्योर। यस, अगर आपका बजट अलाउ करता है 40 लैक्स तो यू शुड डेफिनेटली चूज जॉर्जिया, काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर बजट अलाउ नहीं करता है देन यू कुड गो फॉर रशिया, ऐसा है। प्लान आफ्टर एमबीबीएस, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज अ क्वेश्चन और ओपिनियन। एम डी गालिब इफ यू कुड यू नो एलेबोरेट अ बिट मोर अबाउट इट। सृजन नायर, मैम हाउ अबाउट एमबीबीएस इन जॉर्जिया? सृजन आप एमबीबीएस इन जॉर्जिया चूज कर सकते हैं, अनडाउटेडली बहुत अच्छा ऑप्शन है और जॉर्जिया में यू हैव एससीयू यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया नेशनल यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। वी हैव हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हियर एंड वी हैव गॉट पॉजिटिव रिव्यूज फ्रॉम ऑल ऑफ देम, सो यस एमबीबीएस इन जॉर्जिया इज अ गुड ऑप्शन। रोहित इज आस्किंग मैम यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, थैंक यू सो मच रोहित। जेबा शेख, इज देर एनी ऑप्शन टू गेट एडमिशन विदाउट क्वालिफाइंग? जेबा आपका एडमिशन तो हो जाएगा विदाउट क्वालिफाइंग बट द प्रॉब्लम इज कि आप वापस आने के बाद इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे एंड टू बी वेरी ट्रू वी डू नॉट यू नो रिकमेंड दैट, वी वुड से कि आप क्वालिफाई करके जाए तो आपके लिए बेस्ट है, बट इफ यू हैव यू नो आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि मुझे इंडिया वापस आना ही नहीं है, यू आर प्लानिंग टू सेटल समवेयर एल्स आउट ऑफ इंडिया, तो आप जरूर जा सकते हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू आउट। मृदुल, टोटल कॉस्ट नीडेड फॉर रशिया स्टार्टिंग फ्रॉम 21 लाख आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है रशिया में, सो रशिया इज क्वाइट अफोर्डेबल। मैम व्हाट विल बी द फीस इन जॉर्जिया? सृजन इज आस्किंग। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी फीस डिफर करती है बट टोटल बजट आपको समवेयर अराउंड 40 लाख चाहिए इफ यू आर लुकिंग फॉर एमबीबीएस इन जॉर्जिया। ऋतुराज एंड नेपाल, ऋतुराज एक्चुअली जो नेपाल है इट इज अ बिट ऑन द एक्सपेंसिव साइड, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, समवेयर अराउंड 50 to 55 लाख के आसपास नेपाल पड़ जाता है बट आई वुड से इट्स टोटली वर्थ इट। ओके, 4 टाइम नीट दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, नीट के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी बार चाहें आप उतनी बार दे सकते हैं।
रॉक गेमर्स इज आस्किंग अबाउट बांग्लादेश. यस वी डू वर्क फॉर बांग्लादेश एज वेल. बहुत सारे कॉलेजेस हैं बांग्लादेश में. अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वी आर देयर टू हेल्प यू आउट. यू कैन कॉल अस ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन. मिनिमम कॉस्ट फॉर स्टडिंग इन रशिया इंक्लूडिंग एवरीथिंग 21 लाख. बांग्लादेश का जो बजट है, रॉक गेमर्स इज आस्किंग, बांग्लादेश का बजट स्टार्ट फ्रॉम 35 लाख एंड इट गोज अप टू 45 लाख. डिपेंड करता है आप कौन सा कॉलेज चूज करते हैं. मैम इटली में इंग्लिश मीडियम है या अदर लैंग्वेज में है. रोहन कुमार इज आस्किंग. इटली में पूरा कोर्स इंग्लिश में है. मैम हाउ इज ताशकिन मेडिकल अकेडमी. अमार खान इज आस्किंग. अमार ताशकिन मेडिकल अकेडमी काफी अच्छा ऑप्शन है अगर आप उज्बेकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं. ताशकिन का बजट समवेयर अराउंड 28 लाख जाएगा. रहना खाना ट्यूशन फीस सब कुछ मिला करके कैपिटल सिटी में ही है तो ऑब्वियस है, थोड़ा कंफर्ट थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा रहता है. डेली फ्लाइट्स अवेलेबल है सो यस इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन. मैम एज पर योर ओपिनियन विच कंट्री कोर्स मैचेस एज इट इज और नियर टू इंडियन कोर्स. बांग्लादेश. सौरभ अगर आपको एग्जैक्टली सेम कोर्स चाहिए एज दैट ऑफ इंडिया या फिर आपको चाहिए नियर अबाउट इंडिया तो बांग्लादेश इज एन ऑप्शन जो बिल्कुल सेम है एज दैट ऑफ इंडिया. फीफा वर्ल्ड इज आस्किंग मैम रशिया के लिए बिना नीट क्वालिफाई होगा क्या. नहीं रशिया के लिए बिना नीट क्वालिफाई एडमिशन हो जाएगा बट देन यू वुड नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस इन इंडिया. अगर आपको कहीं इंडिया के बाहर सेटल होना है देन यू कुड थिंक ऑफ दिस ऑप्शन. अमार खान इज सेइंग मैम हाउ अबाउट एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान. इट इज अ ग्रेट ऑप्शन. अगर आपको उज़्बेकिस्तान जाना है द बेस्ट थिंग इज कि आपके लिए कोई लाइसेंस एग्जाम नहीं है. दैट इज द बेस्ट थिंग. शिवम गुप्ता मैम एमबीबीएस रशिया में एडमिशन के लिए मिनिमम कितना एज होना चाहिए. ओके यू शुड बी आई एम नॉट श्योर इफ यूर कितना आगे होना चाहिए कितना एज होना चाहिए. इफ यू आस्किंग अबाउट द एज यू शुड बी टर्निंग 17 इन द ईयर ऑफ एडमिशन. फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2023 में इस साल एडमिशन ले रहे हैं सो बाई 31 दिसंबर 2023 यू मस्ट बी टर्निंग 17. और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि मार्क्स कितने चाहिए तो आपको जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 135 to 140 के आसपास कट ऑफ आएगा तो उतने मार्क्स आपको चाहिए. और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं यू नीड समवेयर अराउंड 110 to 115. नीलिमा इज आस्किंग 470 फ्री सीट बस दादा. मे बी आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर कमेंट बट आई थिंक यू आर लुकिंग फॉर 470. आपके 470 मार्क्स आ रहे हैं एंड यू लुकिंग फॉर गवर्नमेंट सीट. आई वुड से द चांसेस आर लेस. विच यूनिवर्सिटी इज बेस्ट इन जॉर्जिया. साकिब अल हसन इज आस्किंग. जॉर्जिया में अनडाउटेडली आप SCU जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं. रॉक गेमर्स इज आस्किंग मैम बांग्लादेश की एडमिशन कब से है. एडमिशंस आर ऑलरेडी ओपन इन बांग्लादेश. इनफैक्ट नॉट जस्ट बांग्लादेश बाकी सारी कंट्रीज के एडमिशंस ओपन हैं और एडमिशन ओपन हुए ऑलरेडी 2 महीने हो चुके हैं. स्टूडेंट्स अपनी सीट्स ऑलरेडी बुक करवा के बैठे हैं. सो इफ यू आर वेटिंग आई थिंक देर इज नो टाइम टू वेट. आपको अपनी सीट्स जल्दी बुक करा लेनी चाहिए क्योंकि कुछ टाइम के बाद सीट्स अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलने वाली है. इफ यू वॉन्ट टू बुक योर सीट ऑल यू नीड टू डू इज सेंड योर क्लास 10th मार्कशीट. उसका स्कैन चाहिए. आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड का स्कैन चाहिए एंड यू वुड नीड टू सेंड 10,000 रुपीज बुकिंग अमाउंट जो कि कंप्लीटली रिफंडेबल है इन केस यू फेल्स टू क्वालिफाई नीट. ओके वट डू यू सजेस्ट जॉर्जिया और रशिया इफ फी इज नो इशू फॉर MBBS. इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर फी देयर अदर फैक्टर्स जैसे कि वेदर है उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं. सो इट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट. संचित त्यागी आई थिंक संचित यू आर ऑलरेडी इन टच विद मी एंड यू आर गोइंग टू विजिट अस सून. आई थिंक आई हैड अ डिस्कशन विद योर फादर सो आई थिंक जब आप ऑफिस में आएंगे आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. और संचित आप दिल्ली से ही हैं. आवर ऑफिस इज इन दिल्ली एंड आई रिमेम्बर टॉकिंग टू योर फादर दिस इवनिंग एंड ही वॉज प्लानिंग टू कम ओवर टू ऑफिस. संचित मैं ये कहूंगी आप भी अपने फादर के साथ आ जाइए. यू विल हैव ऑल ऑफ योर डाउट्स क्लियर एंड आई माई सेल्फ विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. पूर्वा इज सेइंग इज पेट्रोजावस्क मेडिकल कॉलेज रशिया फुली इंग्लिश मीडियम. यस इट इज फुली इंग्लिश मीडियम. फर्स्ट ईयर से लेकर के 6th ईयर तक इट वुड बी कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम. आपकी बुक्स लेक्चर्स क्लासेस सब कुछ.
Ma'am, is it okay if I have cleared my NEET last year? Yes, Saurabh, that is perfectly fine. आपका जो NEET स्कोर कार्ड है अब्रॉड के लिए 3 साल तक वैलिड होता है. अगर आपने लास्ट ईयर NEET दिया है, 2022 में वो वैलिड था, 2023 में वो वैलिड है, और इनफैक्ट 2024 में भी वो वैलिड रहेगा. मैम, वेयर इज योर ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया? कविता, हमारा जो ऑफिस है वो दिल्ली में है. इन केस यू वांट टू कम ओवर, यू कैन विजिट अस एनी टाइम. और अगर आप दिल्ली के बाहर से हैं, वी कुड हेल्प यू विद वीडियो काउंसलिंग, या फिर आप हमसे फोन पे बात कर सकते हैं. और यू हैव एनी रिलेटिव आल्सो, यू कैन सेंड देम टू आवर ऑफिस. रॉक गेमर्स, एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं बांग्लादेश के? ऑलरेडी ओपन है. इनफैक्ट नॉट जस्ट बांग्लादेश, सारी कंट्रीज के एडमिशन पिछले 2 महीने से ओपन है. एंड बहुत सारी सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं. आई वुड से गेट योर सीट बुक्ड एज सून एज पॉसिबल. मैम, व्हाट अबाउट उल्यानोस्क मेडिकल यूनिवर्सिटी? इज इट फुली इंग्लिश? यस, दैट इज आल्सो फुली इंग्लिश. इंडोरिया स्विच गियर्स इज आस्किंग, मैम आई वांट टू गेट माय सन एडमिशन इन एमबीबीएस, आई वांट टू टॉक टू योर काउंसलर. इंडोरिया स्विच गियर्स, यस, आप यू कैन टॉक टू आवर काउंसलर. द नंबर्स आर गिवन ऑन द स्क्रीन, यू कैन कॉल अस ऑन एनी ऑफ दीज नंबर एंड मी एंड माई काउंसलर वुड बी देयर टू हेल्प यू आउट. रॉक गेमर्स, लास्ट डेट, लास्ट डेट. एक तो बहुत सारे बच्चे ना वेट करते हैं लास्ट डेट का, मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों. जब आपको पता है आप क्वालिफाई कर रहे हो, आपका इंडिया में नहीं होने वाला है और आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, व्हाई डू यू वांट टू वेट फॉर लास्ट डेट? मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है. देयर इज नो पॉइंट वेटिंग फॉर लास्ट डेट. बाद में जब सीट नहीं मिलेगी तब बहुत गलत होगा. इट्स बेटर गेट योर सीट बुक राइट अवे. और लास्ट डेट जैसा कुछ होता ही नहीं है अब्रॉड में. इट टोटली डिपेंड्स कि सीट्स कितनी है. अगर सीट ही नहीं बचेगी तो लास्ट डेट डजंट मैटर. तो लास्ट डेट जैसा कुछ नहीं है. लास्ट डेट आने के बहुत पहले ही सीट्स फुल हो जाती है. What is the full procedure for Italy? Mridul, I think it would be very hectic for you to understand the complete procedure right away, right here. I would say ki aap hume ek bar WhatsApp kar dijiye. We will connect with you over the call and the WhatsApp and we will share the complete procedure for Italy. Can you tell about France, Germany and Italy? Italy mein aapko IMAT dena padega, budget बहुत ज्यादा नहीं चाहिए. जर्मनी के लिए यू नीड जर्मन लैंग्वेज, उसके बाद फाउंडेशन कोर्स, फिर से एक एग्जाम एंड देन एमबीबीएस. फ्रांस, सो फ्रांस के लिए आपको बजट बहुत ज्यादा चाहिए, समवेयर अराउंड 75 to 80 lakhs. दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स डू नॉट गो टू दीज थ्री कंट्रीज. इटली में फिर भी कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, बट जर्मनी फ्रांस में बहुत रेयर स्टूडेंट्स आते हैं. लाइसेंस आफ्टर 6 years फॉर प्रैक्टिस, दे गिव इन इंग्लिश और रशियन लैंग्वेज. लाइसेंस, आई थिंक लाइसेंस किसी भी लैंग्वेज में, हाउ डज इट मैटर, यू जस्ट नीड लाइसेंस, राइट? आई थिंक आप कुछ और पूछना चाह रहे हैं, यू कैन जस्ट कमेंट अगेन. सौरभ इज आस्किंग, मैम बांग्ला कोर्स ड्यूरेशन, बांग्लादेश कोर्स ड्यूरेशन 5 years प्लस 1 year इंटर्नशिप. विच यूनिवर्सिटी हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको अपना कंट्री का नाम भी बताना पड़ेगा गालिब, कि आप किस कंट्री की, किस यूनिवर्सिटी, मतलब किस कंट्री की यूनिवर्सिटीज के बारे में जानना चाह रहे हैं. So it varies. I think बहुत सारी चीजें हैं इसमें. If I start telling all of it right now, it'll be very difficult. Rohan is asking for Eastern Federal University budget. I'm not sure. आपने ना रोहन शायद ना यूनिवर्सिटी का नाम गलत लिखा है. So if you could maybe you are saying far eastern, not for eastern. Okay, yeah. So far eastern का budget is somewhere around 32 to 34 lakhs. इंक्लूडिंग हॉस्टल, फूड, एकोमोडेशन, सब कुछ मिला करके. एम डी गालिब, रशिया. ओके, रशिया में सबसे ज्यादा बच्चे बश्किर में गए हैं लास्ट ईयर. सो यह सबसे ज्यादा बच्चे बश्किर में ही हैं. आई थिंक इट्स बीन एन आवर. आपके जो भी डाउट्स हैं, वी आर गोइंग टू एंड द सेशन वेरी सून. आपके जो भी डाउट्स हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. फॉर नाउ मैं एक चीज रिपीट करना चाहती हूँ कि अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ नीट क्वालिफाई करना है. जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ 135 से 140 के बीच में जाएगी, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 110 से 115 के बीच में. अगर आप बाय एनी चांस इंडिया गवर्नमेंट का सोच रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी वाले को 625 प्लस चाहिए और रिजर्व वाले को 500 प्लस चाहिए. तो अगर आपकी कट ऑफ क्लियर हो रही है, यू आर श्योर शॉट, और अगर आपको आंसर की चाहिए, आंसर की के लिए आप हमें इन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं विद योर नेम, your state and your set number, and we will help you out with the answer key. Iske alawa, our recommendation would be get your seat booked as soon as possible, kyunki baad mein seat nahi milne wali hai.
बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी सीट्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो बाद में सीट मिलना बहुत मुश्किल होने वाला है। सीट बुकिंग के लिए ऑल यू नीड इज 10th मार्कशीट का फोटो, आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड का फोटो एंड 10,000 का बुकिंग अमाउंट, जो कम्प्लीटली रिफंडेबल है इन केस यू फेल्स टू क्वालिफाई नीट। एमडी गालिब इज आस्किंग बश्किर का बजट इज जस्ट 25 लाख्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। I would say this is the last round of the questions that we are taking. In next 5 minutes, we are going to end the stream. So, आपके जो भी question हैं, do put in the comment section. Is Ulyanovs or Petrozavos better for girls? I think as a gender wise, कुछ ऐसा specification नहीं है. I think दोनों ही same है gender wise. Ma'am, I'm getting 180 around. Can I gym motivation? Yes, for sure. आपका NEET qualify हो रहा है, undoubtedly. You can get your seat booked as soon as possible. Ma'am, can you provide admission in Bangladesh? Yes, Saurabh, we do provide MBBS admission in Bangladesh. Mithilesh is saying, ma'am, do you have any office in Mumbai? Unfortunately, right now we are just in Delhi. In case you know you're looking for admission, we can connect over the video call, or you can send your relative in from Delhi. Or Mumbai ke bahut sare bachche hamare through admission lete hain. If you want, we can connect you to one of them. High on life, 101 marks in NEET, qualify for MBBS abroad. I think you should wait for the cutoff. Ma'am, what is the process for Bangladesh? Saurabh, I think process yahan pe samjhana thoda mushkil hoga. I would say you can reach out to us on the numbers given on the screen, and it would be way too easier for you. I think okay. ताशकिन मेडिकल एकेडमी का बजट, अमार खान, ताशकिन का बजट जो है इट इज समवेयर अराउंड 28 लाख्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग। हाई ऑन लाइफ, क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। बिफोर वी एंड द स्ट्रीम, लेट मी जस्ट पुट इट अक्रॉस वंस अगेन, क्वालिफाइंग मार्क्स एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जनरल कैटेगरी के लिए वुड बी 135 टू 140, एंड फॉर द रिजर्व कैटेगरी इट वुड बी समवेयर अराउंड 110 टू 115। बस इतने ही नंबर सही है आपको, एंड रेस्ट You can just leave it on to us. We will take care of everything else. आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, और इफ यू वॉन्ट आंसर की, आप हमें इन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड वी विल हेल्प यू आउट विद ईच एंड एवरीथिंग। ओके, आई एम जस्ट ओपनिंग द कमेंट्स। मैम, आई एम क्वालिफाइड 160 मार्क्स। यस, हु आर यू? ओके, योर नेम इज हु आर यू? Whosoever you are, yes, you are qualified. I think that is where we are ending the stream today. I hope कि आपको ये जो भी वीडियो था, जो भी स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम था, I hope you liked it. If do, make sure to hit a like button. And अगर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी आंसर नहीं हो पाए हैं, do put them in the comment section. We will reply to all of it. And you can call us or WhatsApp us on the numbers given on the screen. We'll help you out on MBBS abroad, MBBS in India, MBBS in government, private, everything. So you don't have to worry about anything. All you need to do is just give us a call and we'll be there to help you out. Thank you so much everyone for joining today, and we'll see you soon. I am hoping to see maximum of you in my office. Till the next video, I will say goodbye. I'm just going to end the stream right now.